लौकी एक ऐसी सब्जी है, बच्चे नाम सुनते ही नाक मुंह ऐसे चढ़ाना शुरू करते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ लौकी की बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे खाते ही बच्चे हो या बड़े इसके फैन हो जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है और बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक बार इसे बनाकर खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे तो बोलेंगे, आप हफ्ते में मम्मा 2 दिन 3 दिन यही बनाओ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक लौकी, ये थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने इनको धोकर छील कर अच्छे से काट कर 2 भाग में ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक कद्दूकस लिया है, एक पतला भाग है, एक मोटा वाला है। तो पतले वाले से मैं इसको ग्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ग्रेट करूँगी मोटे वाले भाग से। तो जो है मोटे वाले से मैं इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा इसका जो लच्छा है लौकी का मोटा निकलेगा, जब इसके कोफ्ते बनाएंगे और खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप चाहें तो पतले वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इसको कद्दूकस कर लेना है सभी लौकी को। और लौकी का ध्यान रखें, जब आप लौकी खरीदें तो बीज वाली लौकी और मोटी लौकी मत लाइएगा, जो पतली हो और उसमें बीज ना हो उन्हीं को आप चूज करिएगा। तो यहाँ पर हमने जो है कद्दूकस कर लिया है, इसमें देखिए बीज बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, एकदम नरम सॉफ्ट लौकी थी। तो अब इनको मैं निचोड़ लूँगी, जो इनके अंदर का पानी है सबको हमें निकाल लेना है और अलग कर लेना है लच्छों को और लौकी को। मैं आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ, आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? हमने कल सब्जी वाले भैया से 2 लौकी खरीदा और हमारे बच्चे लौकी देखते ही मुंह जो है टेढ़ा मेढ़ा करने लगे, अरे मम्मा आज लौकी की सब्जी बनाएंगे। तो हमने सोचा आज मैं ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि ये लौकी से बनी है या किसी और चीज़ से बनी है। तो यहाँ पर हमने पानी निचोड़ कर अलग कर लिया और जो ये पानी बचा है इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसे हम रख लेते हैं, अभी आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो लौकी का पानी निकाला था, लौकी के लच्छे मैंने लिए हैं तो इस पे मैं मसाले डाल रही हूँ उसके ऊपर। जैसे यहाँ पर मैंने लिया हल्दी पाउडर, अजवाइन, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है और थोड़े से यहाँ पर जीरा मसाला ले लेंगे, जीरा पाउडर, सॉरी जीरा मसाला नहीं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 3 बड़ा चम्मच जो है बेसन। तो बेसन आप देखकर ही मिलाइएगा, जब इसकी बाउंडिंग ना बने तो बेसन आप और भी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे और इनको हाथों से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से जब बाइंडिंग ना बने तब आप इसमें थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, एक साथ में बेसन बहुत सारा मत डालिएगा। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इनका लंबा लंबा मैं जो है शेप दे दूंगी, चाहे आप इनको गोल बना लीजिए लड्डू की तरह या फिर आप लंबा लंबा बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं आज बच्चों को बताने वाली नहीं हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ लौकी से। तो इस तरीके से सबको बना लेना है पहले। और मैंने गैस पर तेल गरम कर लिया है, तेल अच्छा गरम होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे। और एक एक लौकी के पकौड़े हम डाल देंगे इसके अंदर तेल के, और इनमें बिल्कुल भी अभी झारा नहीं लगाना है, अभी झाग देखिए बहुत ज़्यादा बन रहा है। जब 3-4 मिनट हो जाएगा तब इनको एक स्पून या स्पैचुले से इधर उधर करना है उलट पलट, तुरंत डालते ही ना करिएगा नहीं तो ये टूट जाता है, बिखर जाता है, तेल भी खराब हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है जब, तो मैंने इनको एक छोटे चम्मच से मैंने इधर उधर उलट पलट कर दिया है। अब इनको मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक, एकदम सुनहरा कलर होने तक इनको फ्राई कर लिया है।
तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी फ्राई हो गया है और बहुत टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। तो इनको हम निकाल लेंगे और वापस से रखेंगे एक पैन दूसरा गैस पर। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और थोड़ी सी मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ और जीरा मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच। जैसे जीरा पक जाएगा इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून या 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन घिसा हुआ दरदरा और 1 हरी मिर्च कटी हुई। यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याज रफली चॉप कर लिया है, ये भी डाल देती हूँ और लगातार इन्हें चलाते हुए हमें पका लेना है मिक्स करते हुए। प्याज अच्छी तरीके से जिससे पक जाए और इन्हें मिक्स करते हुए मैंने 3 से 4 मिनट इन्हें पका लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 2 टमाटर, ये भी रफली चॉप कर लिया है एकदम बारीक। अब इनको डाल के इन्हें भी हम अच्छी तरीके से पकाएंगे, मतलब इन्हें भी मिक्स करते हुए ही पकाना है। यहाँ पर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, सब्जियों का लेबल देखकर ही नमक डालिएगा क्योंकि पहले से कोफ्ते में नमक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अब हमने डाला है 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाले। अब इनको चलाते हुए हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पर नमक मैंने डाला इसलिए कि टमाटर और प्याज जल्दी पक जाएगा। तो देखिए टमाटर और प्याज एकदम अच्छी तरीके से पक गया है। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है दूध की मलाई, ताजी मलाई, फ्रेश मलाई लेना है। अगर नहीं है तो आप दही भी ले सकते हैं यहाँ पर, या फ्रेश क्रीम ले सकते हैं अमूल का, जो भी आपको पसंद है या फिर जो आपके पास है ले सकते हैं। तो मैं दूध का मलाई यूज कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया और इन्हें ढक कर 4 से 5 मिनट पका लिया। तो देखिए कितनी जालीदार ग्रेवी अच्छी तरीके से पक गई है और इस सब्जी से, इस ग्रेवी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर अब पानी डालना है, तो जो लौकी का पानी निकला हुआ था ये डाल देती हूँ और थोड़ा पानी आधा कप और डालूँगी। आपको ग्रेवी कितनी बनानी है अपने हिसाब से पानी डालिएगा फ्रेंड्स। तो मैं आज इसे चावल के साथ सर्व करूँगी तो इसलिए मैंने थोड़ा ग्रेवी इसमें बनाया है और इन्हें ढक कर मैंने 7-8 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकने दिया है। ग्रेवी बहुत अच्छी पक चुकी है। तो यहाँ पर अब हम लौकी के कोफ्ते जो बनाए हुए थे इनको डाल देंगे एक एक करके और अब इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और इन्हें लिड लगा कर हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 2 मिनट होने के बाद इनको हम वापस से चेक करेंगे। तो लौकी का कोफ्ता जो है सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। फ्रेंड्स लौकी का कोफ्ता जब डालिएगा ग्रेवी में तो गैस बिल्कुल भी ऑन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये सॉफ्ट होकर टूट जाते हैं ग्रेवी में। तो इसीलिए मैंने गैस को बंद करके छोड़ दिया था। अब यहाँ पर मैंने देखिए थाली में सर्व कर लिया है चावल। चावल की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो बताइएगा। चावल को मैंने कढ़ाई में बनाया था, एकदम खिले खिले चावल हैं। तो प्याज और हरी मिर्च के साथ कोफ्ते को मैंने सर्व किया है और बच्चों को मैंने खिला दिया, उनको पता ही नहीं चला कि ये लौकी से बना था। फ्रेंड्स आप भी अपने घर पे ऐसे ही ट्राई कीजिएगा और जो है बहुत मज़ेदार की रेसिपी है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। तो बच्चे हमारे कोफ्ते जो है टिफिन में भी ले गए थे, अब ग्रेवी वाली सब्जी जो है इनको घर आने के बाद भी मैंने दिया तो खा लिए। और बाद में मैंने बताया कि ये लौकी का कोफ्ता था तो बच्चे खा लिए, कह रहे मम्मा बहुत टेस्टी था। तो इसी तरीके से आप भी बनाइएगा फ्रेंड्स और इस लौकी के कोफ्तों को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा ताकि अपने बच्चे को हर माँ बनाकर खिला सके और बच्चों को पता ना चले कि ये लौकी है। तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। कमेंट में अपना